हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एसआई एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं वेरी गुड बुक ग्रेड 2 से यूनिट 4 का चैप्टर 4 स्टॉर्म इन द गार्डन। इस बुक के या इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं। रीडिंग इज 1। आंसर द क्वेश्चंस। हु वाज सुनु सुनु? सुनु सुनु कौन था? सुनु सुनु वाज अ स्नेल। हु वाज सुनु सुनु विजिटिंग? सुनु सुनु किससे मिलने जा रहा था? सुनु सुनु वाज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स एंड्स। तो एंट्स थी, उनके से मिलने जा रहा था। Where were the ants hiding? Ants कहाँ छुपी हुई थी? Ants were hiding under a flower pot. Did सुनु सुनु get wet? No, सुनु सुनु did not get wet, क्योंकि ants ने उसको बोला तुम जल्दी से घर चले जाओ, इसलिए सुनु सुनु जो है वो wet नहीं हुआ। Let's talk. Do you go for morning walks? Morning walk में जाते हो आप लोग? Yes, I went for morning walk daily. मैं रोज मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ। Have you ever seen ants in the garden? कभी गार्डन में अपने चींटियां देखी हैं? Yes, I have seen many ants in the garden. बहुत सारी चींटियां दिखती हैं गार्डन में। Watch and see where they go and what they carry to their holes. अब ये देखना कभी कि वो ants जाती कहाँ हैं और अपने साथ क्या ले जाती हैं। तो ants go to their ant hill and they carry the food to their holes. जो उनका ant hill होता है, जो उनका घर होता है, वहां जाती है और साथ ही साथ वो अपना खाना जो है वो अपने होल में साथ ले जाती है। जो खाना होता है उसे लेके जा रही होती है। टीम टाइम। डू यू नो व्हाई यू सी स्नेल्स एंड अर्थवर्म आफ्टर इट रेन्स? सिट इन अ ग्रुप एंड डिस्कस। आप बताओ, कभी आपने सोचा है जो स्नेल होते हैं या अर्थवर्म होते हैं वो बारिश होने के बाद बाहर क्यों निकल आते हैं? तो ये बात आप ग्रुप में सोचो और डिस्कस करो। आंसर क्या होगा इसका? दे केम आउट बिकॉज़ देयर होम्स गेट फिल्ड विद वाटर। उनका जो घर होता है उसमें पानी भर जाता है, इसकी वजह से वो बाहर निकल आते हैं। अब है लेट्स राइट, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस। पिक द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड एंड ओवर। पहला है द कैट इज जंपिंग डैश द वॉल। द कैट इज जंपिंग ऑन द वॉल। द कैट इज डैश द बॉक्स। द कैट इज इन द बॉक्स। द कैट इज डैश द डोर। द कैट इज behind the door. The cat is dash the stool. Cat कहाँ है? Cat is under the stool. और final है the cat is dash the suitcase. तो the cat is over the suitcase. अब है let's sing. Out in the garden each fine day with my ball I like to play. I bounce my ball, I bounce my ball, I bounce my ball and each fine day. Out in the garden each fine day with my kite I like to play. I fly my kite, I fly my kite, I fly my kite on each fine day. Aur finally aapka hai let's practice. Rain, tree, coat, ship, field and play. Isko aapko sundar si cursive handwriting mein likhna hai aur practice karna hai. तो ये थी आपकी एक्सरसाइज। अच्छी लगी, समझ में आई? सब्सक्राइब करो हमारा चैनल असा एजुकेशन। बाय।